धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में आज से 5 दिवसीय मांडू महोत्सव 2021-22 का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद अतिथियों द्वारा रेवा कुंड पर महाआरती कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात इको पॉइंट मांडू में मुख्य कार्यक्रम स्थल पर विधिवत दीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय रंगारंग साहसिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जिले के सांसद छतर सिंह दरबार, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव सहित धार जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम विधिवत शुभारंभ हुआ। मांडो से विनीत यादव की रिपोर्ट। मेरे साथ गाओ। मैं तेनू सानू न तेरे बाजों तू की जाए कर चाँद तारों को मशहूर इतना क्यों कम बख्त से भी खूबसूरत है तू दिन भर कर बाते हैं तुम भी लगे बातें अधूरी आज दिल की दहलीजों पे कोई आए पर तुम जरूरी पास है तू पर कहाँ मांडू शो 2019 में आपने एक परफॉर्मेंस दी थी, मांडू को आप अच्छी तरह से परख चुके हैं, इस बार क्या नया रहेगा मांडू शो में? परख तो नहीं सका मैं अभी भी, क्योंकि 2019 में अलग ऑडियंस थी, शायद इस बार मुझे पता नहीं सेम ऑडियंस होगी या क्या है। मुझे लास्ट टाइम बहुत मज़ा आया था, इसलिए लास्ट टाइम बहुत अच्छा शो गया था, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ मैं इस परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि जब एक बार इतना अच्छा शो कहीं पे हो जाए तो उससे अच्छा करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आर्टिस्ट की, तो मैं कोशिश करूँगा इस बार थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा मज़ा आए। कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिली है कि नवराज हंस को मांडू बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और वो कहीं ना कहीं उनकी एक प्लानिंग चली कि मांडू में भी निवास हो। हाँ, मुझे मांडू बहुत पसंद है, शायद ही कोई शख्स होगा जिसको मांडू ना पसंद है, इतना खुला इतना फ्रेश एयर है और हिस्टोरिक प्लेस है ये, बड़ी मज़ेदार जगह है। निवास तो जहाँ भगवान बना देगा ले लेंगे, बट अभी फिलहाल जितना मैं टाइम हूँ यहाँ पर बहुत इन्जॉय कर। ऑडिशन के लिए एक छोटा सा गाना हो गया ऑडियंस के लिए, ओ चल कुड़िए नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार, छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे छोटे पैग मार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पिछली बार भी आपके नेतृत्व मांडो उत्सव, ये सबको उत्साह आनंद और गांव के मौलिक जीवन की अनुभूति कराएगा और इस ऐतिहासिक पुरातात्विक नगरी को देखने बहुत ही उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में यहां पधार रहे हैं। क्या मास्टर प्लान सोचा है मांडू उत्सव के बारे में आने वाले समय में आपकी सरकार? मास्टर प्लान तो देखिए ये सोचा है कि माननीय शिवराज सिंह जी की जो सरकार है, पहली बार पर्यटन कैबिनेट का गठन हुआ है और सभी विभागों के आपसी समन्वय के साथ पर्यटन स्थलों को हम बहुत अच्छा करने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। कोरोना की वजह से जितना समय मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला और अब हम युद्ध स्तर पर इन सब कामों के लिए कटिबद्ध हैं। नए साल में क्या संदेश देना चाहिए?
नए साल में यही संदेश देना चाहते हैं कि संस्कृति संस्कारों को सहेजें, वैदिक जीवन पद्धति को अपनाएं और विश्व की इस महामारी से मुक्ति पाएं। मांडव उत्सव में किन के पर्यटक ज़्यादा आते हैं? मांडव में टूरिस्ट है तो लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, तो रोड की बड़ी समस्या है, मांडव को फोर लाइन से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? जी आपने देखा अभी निर्माण कार्य कुछ चल भी रहा और जोड़ेंगे इसको, ये है प्रक्रिया में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।